मैं आज की परिस्थिति में जहाँ कोरोना वायरस के बारे में, उसके प्रादुर्भाव के बारे में चारों तरफ चर्चा है, जन जागरूकता है, सबको पता है कि आज की स्थिति में एक दूसरे से दूरी बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग जितनी हम रख सकते हैं उतनी ज़्यादा हमारी सुरक्षा है, हमारे परिवार की सुरक्षा है, समाज की सुरक्षा है। इस दरमियान जो भी अत्यावश्यक सेवाएं हैं, वस्तु है, वो किस प्रकार से मिलेगी, उसके भय में कई लोग बाहर आ रहे हैं। मित्रों, अत्यावश्यक दुकानें, अत्यावश्यक सेवाएं, अत्यावश्यक वस्तु, ये चीज़ें आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं। उसको मुहैया कराने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से हम सभी कटिबद्ध हैं। इसीलिए परभणी शहर के करीब 300 से ज़्यादा किराना दुकान के जो लोग हैं, उनका मोबाइल नंबर लेकर के उनको PDF फॉर्मेट में जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हम शेयर कर रहे हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत है तो उस मोबाइल नंबर पे होम डिलीवरी के लिए, घर पहुंच के लिए आप उनको फ़ोन कर सकते हैं, वो आपके पास आ सकते हैं, जिससे आप घर में बैठे बैठे सामान प्राप्त कर सकते हैं, बाहर भीड़ में आने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परंतु ये सब के बावजूद, चूंकि घर में आप हैं तो सुरक्षित हैं, स्टे होम स्टे सेफ, इसलिए होम डिलीवरी को आप ज़्यादा अपनाएं आज की परिस्थिति में। हम जनता से, हम परभणी जिला के सभी नागरिकों से बारंबार आह्वान कर रहे हैं, किंतु इसके बावजूद भी कुछ लोग इन सूचनाओं का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई, जो भी कायदेशीर कार्रवाई है उसको हमारी तरफ से इंश्योर किया जा रहा है। नाकाबंदी लगा करके जो लोग अनावश्यक घूम रहे हैं उनकी गाड़ियां जब्त की जा रही हैं। कंट्रोल रूम के कई सारे नंबर हैं, आप 100 नंबर पे, 100 नंबर पे आप कभी भी डायल कर सकते हैं। उसके अलावा 4 व्हाट्सएप नंबर हैं हमारे और लैंडलाइन नंबर हैं, उन नंबर्स पे आप अपने कोई भी तकलीफ है, कोई भी अड़चन है वो कॉल कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, ऐसी परिस्थिति में यदि आप अनावश्यक घर से बाहर पड़ रहे हैं या पुलिस आ रही है उसको देख करके छुप रहे हैं और बाद में बाहर आ रहे हैं, निस्संदेह ये आप प्रशासन को, पुलिस को धोखा नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने परिवार को धोखा दे रहे हैं, और आपके इस व्यक्तिगत जो धोखा है उससे समाज को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप यह जो नियम है, निर्देश है, उनका स्वतः पालन करें। दोस्तों, इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से कई लोग, जो लोग गरजू हैं उनको भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है, उनके दरवाजे तक पहुंचकर हम भोजन मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी तरफ से कई सारी NGO, सेवाभावी संस्था जो कि शहर में, तालुका में भोजन प्रोवाइड करने की उनकी जो सिस्टम है, अन्न धान्य वाटप करने का जो सिस्टम है वो ऑलरेडी चालू कर रखा है। उनके अभी नंबर और बाकी सारी चीज़ें हमने इकट्ठा किया है, बहुत सारे ग्रुप में ये हमने यादी डाली हुई है, लिस्ट डाला हुआ है। तो इन जो सेवाभावी संस्थाएं, NGOs हैं और बाकी नंबर हैं, यदि आपको भोजन चाहिए आप हमको उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वो नंबर सेवाभावी संस्था का है उनको कॉल कर सकते हैं, वो आपको अपनी आपकी जगह तक पहुंच करके भोजन देंगे। लेकिन किसी भी परिस्थिति में खाने के वजह से, अन्न धान्य की वजह से आपको तकलीफ नहीं होनी है, इस बात को आप अपने जेहन में रखिए, नंबर्स पे कांटेक्ट करिए, आपको ये सारी चीज़ें मुहैया होगी, उपलब्ध होगी। और
यदि आप इन सब बातों को समझ करके इसका पालन करते हैं, इस 21 दिन का जो लॉकडाउन है उसमें पूरी तरीके से घर में रहते हैं, अलग रहते हैं, एकांत में रहते हैं, निस्संदेह हम सब मिलकर इस जो कोरोना का संक्रमण है उसको हराएंगे और अंत में सिर्फ और सिर्फ ये समाज और ये मानवता जीतेगी। तो कृपा करके इस संचार बंदी का, जमाव बंदी का जो नियम है उसमें जो बाकी चीज़ें हैं उसमें किसी भी चीज़ के लिए आप व्याकुल नहीं रहते हुए, मन में भय नहीं रखते हुए घर में रहिए, अपना जो कुछ भी जीवन यापन है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए आपकी जो भी हॉबीज हैं उसको देखिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में बाहर आकर के भीड़ जमा करने की परिस्थिति निर्माण नहीं करिए जिसकी वजह से आपके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई हो सकती है। मैं आप सभी लोगों से बार बार अनुरोध कर रहा हूं, बिल्कुल अत्यावश्यक परिस्थिति निर्माण जब तक नहीं होती है घर से बाहर नहीं पड़े। इसके बावजूद यदि आप ऐसी गलती करते हैं तो प्रशासन की तरफ से इन आवाहन के बाद भी आप यदि प्रतिसाद नहीं देते हैं, निस्संदेह आपके खिलाफ कायदेशीर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों से पुनः हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि आप सभी नियमों का पालन करें, स्वयं सुरक्षित रहें, समाज को सुरक्षित रखें। जय हिंद।